आप बेटा हटो यूनिवर्सिटी का मामला है, सड़क का मामला है, ये सड़क का मामला, आस्था का मामला है, हमारे हिंदू धर्म का मामला है, भगवान भोले का मामला है, घूमने जाएंगे आप सर, एक गलत काम कर रहे हैं आप सर, हटे यहाँ से जा रहे हैं सर, मेरी आस्था के साथ खेला जा रहा है, हिंदू धर्म बाबा भोले पर कोई अपमान शब्द बोले उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबा भोले पर यह प्रशासन के द्वारा इस तरीके का कार्य किया जाता है, क्या यह बताइए अच्छा है? बाबा भोले पर बाबा भोले पर जी, मेरा नाम शुभम तिवारी, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शोध छात्र हूँ। जी, जैसा कि आपको सुनने को मिला होगा, JNU की वाइस चांसलर महोदया शांति श्री दुल्लीपुड़ी जी, जिन्होंने कही है कि भगवान शिव दलित हैं, हमारे जितने देवी देवता दलित हैं, यह शांति श्री अशांति फैलाने का कार्य कर रही हैं। जिस तरीके से हम आए दिन हमारे भगवानों पे टिक्का टिप्पणी किया जा रहा है, भगवानों को भी जाति विभेद में बांटा जा रहा है, भगवान सबके होते हैं, भगवान सभी धर्मों के लिए होते हैं, भगवान सभी जातियों के लिए होते हैं, भगवान ने केवट पे भी कृपा किया, भगवान ने यहाँ तक कि गज पे भी कृपा किया जब उसे ग्रह ने पकड़ लिया, तो भगवान सबके होते हैं और भगवान सबके लिए हैं। इस प्रकार की टिक्का टिप्पणी करना सर्वथा निंदनीय है और मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करता हूँ, केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि ऐसी कुत्सित मानसिकता के लोगों को ऐसे जिम्मेदार पदों पे ना बैठाया जाए। यह छात्रों को बलगराने का कार्य कर रही हैं, यह छात्रों को भड़काने का कार्य कर रही हैं और हमारे सनातन धर्मावलंबियों की आस्था के साथ यह चोट कर रही हैं और इस आस्था के इस चोट को हम सभी सनातन धर्मावलंबी कभी नहीं सहेंगे और इनका पुरजोर विरोध करेंगे। अभी हमने यहाँ उनका पुतला दहन का कार्यक्रम किया, पुलिस प्रशासन ने छीन लिया, मैं पुलिस प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि जब नुपुर शर्मा की घटना हुई और हमारे हिंदू भाई की गला रेत दी गई, उस दिन आप कहाँ सो रहे थे? आप क्या आपके मन में आपकी ये वर्दी की जुनून कहाँ चली गई थी? एक व्यक्ति को मार दिया जाता है इस प्रकार से, तो केवल हर एक प्रकार से चाहे हमारे प्रशासन के लोगों सभी लोग हम सभी हिंदुओं को दबाने का कार्य कर रहे हैं, यह सर्वथा निंदनीय है। ये धरना प्रदर्शन आपका अभी तक चल रहा है? अनवरत चलता है, ये क्रमिक रूप से अनवरत चलता रहेगा। आप एक पुतला छीनेंगे, मैं 100 पुतला लाऊंगा, आप छीनते रहिए, मैं लाता रहूंगा। शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि अभी आपके साथ जो हुआ? शासन प्रशासन से ये कहेंगे कि एक व्यक्ति जो हमारे 125 करोड़ देशवासियों के आस्था के साथ चोट कर रहा है, आप उसे नहीं कर रहे हैं और हम उनका प्रतिकार कर रहे हैं तो आप हमें ही रोक रहे हैं, यह किस प्रकार की डेमोक्रेसी है? यह कहीं ना कहीं ऐसी डेमोक्रेसी हमारे भारत को विभेदित करने में कहीं ना कहीं इनका भी योगदान है। अगर हम आगे बोल रहे हैं तो अगले लाइन को ही पढ़ना है, अगले लाइन को ही पढ़िए। ये भी कहा गया जन्मना, जैसा कि इन्होंने बताया विकास जी ने, कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से तो हर कोई शूद्र होता है। संस्कारादि उच्यते, जब तक संस्कार नहीं होता है, तब जब संस्कार होता है तभी वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, उसके गणना में आता है। और रही जो जाति व्यवस्था, SC ST उन्होंने कह दिया शंकर जी को कि श्मशान में रहते हैं तो SC ST हो गए, तो वो कैलाश पे भी रहते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि कैलाश पे रहते हैं, कैलाशपति कहलाते हैं वो, काशी में भी रहते हैं। जी, काशी में भी हैं, कंकड़ कंकड़ में शंकर का वास बताया गया है। तो हमारे उन्होंने मनुस्मृति पे भी कटाक्ष किया, तो मनुस्मृति तो सर ये कहता है कि वो तो जाति की बात ही नहीं करता है, वो तो वर्ण व्यवस्था की बात करता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, वो भी कर्म के आधार पे करता है।
वो तो हमने बना रखा है, गवर्नमेंट ने बना रखा है। जाति व्यवस्था को तो गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है, कभी तो हमारे शास्त्रों में तो कभी वर्णन ही नहीं आया जाति व्यवस्था का। आप उसमें बांट लेते हैं लोग अपने से स्वयं से, लेकिन कहीं भी आप अगर खोज डालेंगे, अब आज के जो शास्त्र कुछ लोग अपने स्वार्थवश लिख दें वो बात अलग है, लेकिन पुराने जितने भी ग्रंथ पाएंगे कहीं भी वर्ण व्यवस्था के अतिरिक्त आप कुछ नहीं पाएंगे। कुलपति महोदया जी का यह कहना है कि मनुस्मृति में इस बात का चर्चा है कि महिलाओं को शूद्र की दर्जा में रखा गया या शूद्र की श्रेणी में रखा गया है, तो उन्हें इस बात की भी जानकारी होगी। वही मनुस्मृति इस बात की भी वकालत करता है और कहता है यत नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत में। देश में एक तरफ जहाँ पे धार्मिक भावनाओं को भड़काने के नाम पे सर तन से जुदा के नारे दिए जा रहे हैं, वहीं पे हिंदू भावनाओं को लगातार भड़काया जा रहा है, उनके देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणी की जा रही है। अभी हाल की टिप्पणी जेएनयू की वाइस चांसलर हैं धूलीपाठ जी, उनका कहना है कि शिव जी जो हैं वो शूद्र थे क्योंकि वो शमशान में बैठते थे और इस तरह की उनकी चीज़ें थी। तो उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ काशी के संस्कृत विद्याधर्म संकाय के छात्र हैं जो कि विद्वान हैं शास्त्रों के मामले में, शुभम शर्मा तिवारी जी हैं, उनसे हम जानेंगे क्या कहना उनका। सर, ये जो बयान आया है वाइस चांसलर का, कैसे देखते हैं आप लोग इसको? यह सर्वथा निंदनीय है और इस तरीके के इतने जिम्मेवारी वाले पद पे बैठ करके और इतनी अनर्गल बातें करना, यह कहीं ना कहीं आपकी उस कुत्सित बुद्धि को प्रकाशित करता है कि आप समाज में एक जहर घोलने का कार्य कर रही हैं। आपका नाम शांतिश्री है लेकिन आप शांतिश्री जी आप अशांति फैलाने का कार्य कर रही हैं और तमाम लोगों के मन में इस प्रकार की एक सोच आप रोपित कर रही हैं कि एक दूसरे की भावनाओं भड़के। हमारे यहाँ भगवान की कोई जाति नहीं देखी गई है और भगवान कृपा करने के लिए कोई जात पात नहीं देखते। भगवान श्री राम ने सबरी के यहाँ भी बैर खाया और उन्हें केवट को भी गले लगाया। अपने राज्याभिषेक में भगवान श्री राम ने केवट को चीफ गेस्ट बना करके बुलाया था। तो भगवान किसी जाति पाति से बधे नहीं है, वो जाति पाति से ऊपर उठ करके हैं। हमारे भगवान शिव को उन्होंने शूद्र की संज्ञा दी, हमें वो शूद्र नहीं, उनकी बुद्धि में कुछ ऐसी क्षुद्रताएँ हैं जिसके प्रति ये अनर्गल प्रलाप कर रही हैं और एक जिम्मेदार पद पे बैठ करके ऐसी बातें करना, यह कहीं ना कहीं उनके बुद्धि यह बताता है कि वो इसकी योग्य नहीं है, वो जिस पद पे आसीन है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूँगा कि तत्काल इसे बर्खास्त किया जाए और वह सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे ताकि कहीं भी समाज में इस प्रकार का विभेद पैदा ना हो। हमारे भगवान जब कृपा करते हैं तो कोई जाति पाति नहीं देखे, न किसी जाति से आए, और हमारे भगवान को सभी जाति के लोग पूजते हैं। यहाँ तक कि विदेशों के में रहने वाले लोग भी तमाम इस्कॉन के माध्यम से आप देखते होंगे कृष्ण भक्ति करते हैं, वो अन्य धर्मावलंबी भी भगवान की सेवा पूजा करते हैं, तमाम फॉरेनर यहाँ दर्शन करने आते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। तो यह हमारे जो भगवान हैं वो जाति पाति से ऊपर उठ करके हैं और इस प्रकार का उनका जो वक्तव्य है हमारे सारे सनातनियों के मन को कचोट रहा है और हम सभी सनातनी इससे दुखित हैं और हमारे मन में क्रोध है कि इस तरीके का धार्मिक भावना उनको जो भड़का रही हैं, यह कहीं ना कहीं ठीक नहीं है और यह बहुत ही निंदनीय है और तत्काल केंद्र सरकार को कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। यदि वो भगवान हैं, देवी देवता हैं, तो जाति पात से ऊपर हैं, तभी तो देवी देव 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 या देवी देवता हैं। लेकिन इस तरह का बयान देना जब देश में इस तरह का माहौल है कि आप देख ही रहे हैं कि उनके कुछ मतलब जो शास्त्र हैं उसमें लिखा है उसको कोट करने पे इस तरह के सरतन के जुदा के नारे हो रहे हैं, तो हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही हैं, तो इसका क्या कारण है कि हिंदू रिएक्शन नहीं करता इसलिए क्या? जी, हम सहिष्णु हैं, हमारे यहाँ वसुधैव कुटुम्बकम की बात होती है, हम सबको गले लगाने की बात करते हैं, बस हमारी जो सहिष्णुता है इसी का वो फायदा उठा रहे हैं। उन्हें यदि हिम्मत है तो वो पैगंबर जी पे कोई टिप्पणी करके देख लें। वो बोले कि शिवजी शमशान में रहते हैं तो इसलिए वो जो है दलित हैं या जनजाति हैं, बोले कोई भी देवता जो है ब्राह्मण नहीं है, तो देवताओं में जाति कहाँ से ढूंढ रही हैं? कोई भी, यही तो सोचनी बात है कि उनकी कितनी निंदनीय सोच है कि भगवान मसाने में रहते हैं। अरे भगवान तो कैलाश पे भी रहते हैं, हाँ जी, शास्त्रों में इसी का जिक्र है। वो क्या उस समय वो आ गई थी, उन्होंने देखा है क्या?
मसान में रहते और कैलाश पर रहते, उन्होंने देखा है क्या उनके जन्म समय जब भगवान शिव थे क्या वो थी? हमारे शास्त्रों द्वारा जो बताया गया, ऋषि महर्षियों लोक कथानक के द्वारा बताया गया, जहाँ जहाँ आस्था है उसके अनुसार, तो ऐसा कतई नहीं है और यह उनकी कुत्सित बुद्धि का परिचायक है। क्या कहेंगे अभिषेक जी, आपका क्या कहना इस विषय पर? देखिए, एक जिम्मेदार पद पर होकर के इस तरीके का बयान देना या इस तरीके का स्टेटमेंट देना, ये मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है। और इसलिए द्योतक है कि हमारा हिंदुस्तान या हमारी जो सनातन परंपरा है वो सर्वधर्म संभाव की परंपरा है, और यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात पर हम लोग बल देते हैं, तो फिर इस तरीके की जातिगत टिप्पणी करना और यह आधार लेना कि भगवान शंकर शमशान में रहते हैं तो ये शूद्र हैं, तो मैं तो मानता हूँ या हमारे सनातन परंपरा इस बात को मानती है कि हमारे जो भी इष्ट देव हैं, जो आराध्य हैं, वो यत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह विराजमान हैं, तो फिर इस आधार पर कि वो शमशान में रहते हैं तो शूद्र हो जाएंगे या किस तरीके का, ये तो ये कहा जाएगा कि ये बौद्धिक मैंने हीनता की बात की जाएगी, क्योंकि और ऐसे लोगों को केंद्र सरकार, भारत सरकार ऐसे पदों पर आसीन कर रही है जो कि यह भी उचित नहीं लग रहा है। और मुझे लगता है कि इस तरीके का बयान दे करके सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का वो काम कर रही हैं, समाज में द्वेष फैलाने का काम कर रही हैं। अगर ऐसी स्थितियां बनती रहेंगी और इसी तरीके की एक घटना को आपको कोट करूँगा, इसी तरीके के और ख़ास करके हिंदू धर्म के देवी देवताओं को ही इस जद में लाया जाता है और उन पर तमाम प्रकार के अनर्गल बयान उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों? अभी कुछ दिन पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही भगवान राम की प्रतिमा के साथ खेला गया। अच्छा, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अभी बड़ा विश्वविद्यालय है, देश की राजधानी में है, दिल्ली में है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, और उसके जिम्मेदार पद पर आप आसीन हैं, बड़ी संख्या में आपके यहाँ छात्र रहते हैं, आप किस तरीके का मैसेज देना चाहती हैं, किस तरीके का शैक्षणिक माहौल वहाँ बनाना चाहती हैं, किस तरीके का भारत बनाना चाहती हैं, किस तरीके का इतिहास लिखना चाहती हैं, यह हमारी सनातन मूल के साथ, यह हमारे भारतीय इतिहास के साथ, भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के साथ, भारत की विरासत एवं धरोहर के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। यह कुचक्र है, इससे हम सबको बचना होगा, इस पर सजग होना होगा और मुखर होकर के इसका प्रतिकार करना होगा, और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कुलपति महोदया जी को बयान वापस लेना चाहिए और केंद्र सरकार को उन पर कार्रवाई भी करना चाहिए। एक मिसाल बने और आने वाले समयों में इस तरीके की घटनाओं से लोग बचें। अगर ऐसा नहीं होता है तो भविष्य में भी ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी और जिससे हमारा समाज टूटेगा, हमारा देश टूटेगा और हम खंड खंड में विभक्त हो जाएंगे, और जो साजिश, भारत तोड़ो और तमाम प्रकार के जो कुटिल मानसिकता के लोग हैं उनकी जो सपने हैं वो साकार होंगे। तो इस प्रकार की मानसिकता को समझने की ज़रूरत है और भारत देश को बचाने की ज़रूरत है, अपने विरासत को बचाने की ज़रूरत है, अपने जो आस्था के जो देवी देवता हैं हिंदू धर्म और सनातन मूल्य के, उन पर इस तरीके के विचार रखने वाले से दूरी और उनसे। अच्छा, जो BHU है या JNU है, ये दोनों ही केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और इनके जो कुलपति या उपकुलपति हैं, इनका कहना मतलब एक केंद्र सरकार द्वारा ही नियुक्त होते हैं, तो इसमें क्या केंद्र सरकार को भी कटघरे में रखा जा सकता है? नहीं, केंद्र सरकार ने तो आपकी क्वालिफिकेशन देख करके आपको रखा। लेकिन आप रखने के बाद आप इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं, तो अब कोई किसी के अंदर तो बैठा तो नहीं है कि आपकी बुद्धि क्या सोच रही है? आपकी शैक्षणिक दक्षता के अनुसार आपको बना दिया गया, लेकिन इसके बाद आप वहाँ पहुँच करके इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, इस प्रकार की ऐसी चीज़ों को आप भगवान के की इन चीज़ों को आप इस तरीके से बता रहे हैं कि भगवान शूद्र हैं, नारी की पूजा, नारियों को शूद्र में रखा गया है, इस तरह तमाम तरह की चीज़ें जो आप बता रही हैं, तो कहीं ना कहीं यह गलत है और केंद्र सरकार को अब तत्काल संज्ञान लेकर के उनको हटाना चाहिए। तो BHU में भी जो इफ्तार पार्टी वगैरह हुई थी तो विरोध हुआ था यहाँ के छात्रों द्वारा, तो मतलब ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना नहीं चाहिए। इस पर भरपूर तरीके से विश्वविद्यालय के छात्र ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म आस्था को मानने वाले पूरे भारतवर्ष के लोग
का इस पर प्रतिकार होना चाहिए, इस पर विरोध करना चाहिए कि इस तरीके की भविष्य में घटनाएं ना हों, क्योंकि अगर घटनाएं की पुनरावृत्ति होगी तो देश के लिए घातक होगा। और आप कुलपति महोदया जी का यह कहना है कि मनुस्मृति में इस बात का चर्चा है कि महिलाओं को शूद्र की दर्जा में रखा गया है, शूद्र की श्रेणी में रखा गया है, तो उन्हें इस बात की भी जानकारी होगी। वही मनुस्मृति इस बात की भी वकालत करता है और कहता है यत नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और इस बात को समझने की भी ज़रूरत है, किसी एक पक्ष को लेकर के किसी साहित्य को या किसी धर्म के धर्म ग्रंथ को का मूल्यांकन कर लेना यह हितकर नहीं होता है, बल्कि एक गलत संदेश जाता है। तो इस चीज़ से बचना होगा, और इसलिए बचना होगा क्योंकि एक जिम्मेदार पद पे हैं। अच्छा, आप सभी लोग जो हैं यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत छात्र हैं, कोई PhD कर रहा है, कुछ आप क्या कर रहे हैं सर? मैं यहाँ से शोध छात्र हूँ। शोध के छात्र हैं जी, जी। तो जो इनका स्टेटमेंट है VC जी का कि महिलाएं जो हैं शूद्र होती हैं, फिर ब्याह करती हैं तो पति का जो जाति होता है वही उनका होता है, इस पर क्या कहना है? तो महिलाएँ केवल शूद्र नहीं होती हैं, जन्म से पहले सभी शूद्र होते हैं। जब उनका संस्कार किया जाता है तब वो धर्म को परिवर्तित यानी कि किसी विशेष जाति में जाते हैं। उसके पहले जो भी शिशु जन्म लेता है वो सभी शूद्र की संज्ञा में आते हैं। तो उनका इसीलिए ब्राह्मणों को भी दो बार उनका जन्म होता है, एक बार जब जन्म के पहले वो शूद्र ही होते हैं, लेकिन जब उनका यज्ञोपवीत होता है तब तो वो ब्राह्मण बनते हैं। इसलिए ये केवल कहना कि महिलाएँ शूद्र होती हैं तो ऐसा नहीं, हमारे शास्त्रों में सभी को जो है जन्म से पहले जो है शिशु जो होता है जब तक उसका संस्कार नहीं होता है तब तक वो शूद्र ही होता है, और संस्कार के बाद ही वो जो है वर्ण व्यवस्था में जाता है कि वो किस वर्ण व्यवस्था में है। कैसे देखेंगे आप, क्या कहेंगे इस पर जो बोले हैं कि महिला किसी एक लाइन को पढ़ करके और किसी चीज़ का मूल्यांकन कर देना वैसे पद पे बैठ करके, ये हमें उचित नहीं लगता है। उन्हें भी सीखना चाहिए और पूरे दोनों किसी भी चीज़ के दोनों पल्लों को देखना चाहिए कि अगर हम आगे बोल रहे हैं तो अगले लाइन को ही पढ़ना है, अगले लाइन को ही पढ़िए। ये भी कहा गया जन्मना, जैसा कि इन्होंने बताया विकास जी ने कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से तो हर कोई शूद्र होता है। संस्कारादि जो उच्यते, जब तक संस्कार नहीं होता है तब, जब संस्कार होता है तभी वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, उसकी गणना में आता है। और रही जो जाति व्यवस्था SC ST, उन्होंने कह दिया शंकर जी को कि श्मशान में रहते हैं तो SC ST हो गए, तो वो कैलाश पे भी रहते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि कैलाश पे रहते हैं, कैलाशपति कहलाते हैं वो, काशी में भी रहते हैं। जी, काशी में भी हैं, कंकड़ कंकड़ में शंकर का वास बताया गया है। तो हमारे उन्होंने मनुस्मृति पे भी कटाक्ष किया, तो मनुस्मृति तो सर ये कहता है कि वो तो जाति की बात ही नहीं करता है, वो तो वर्ण व्यवस्था की बात करता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, वो भी कर्म के आधार पे करता है। वो तो हमने बना रखा है, गवर्नमेंट ने बना रखा है, जाति व्यवस्था का तो गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है। कभी तो हमारे शास्त्रों में तो कभी वर्णन ही नहीं आया जाति व्यवस्था का। आप उसमें बांट लेते हैं लोग अपने से स्वयं से, लेकिन कहीं भी आप अगर खोज डालेंगे, अब आज के जो शास्त्र कुछ लोग अपने स्वार्थवश लिख दें वो बात अलग है, लेकिन पुराने जितने भी ग्रंथ पाएंगे कहीं भी वर्ण व्यवस्था के अतिरिक्त आप कुछ नहीं पाएंगे। और हमें नहीं लगता कि इतने बड़े पद पे बैठ करके, वाइस चांसलर के पोस्ट पे हैं और दिल्ली जैसे स्थान पे, और इतना पढ़ी लिखी हो करके किसी एक बिंदु को बात करना। और रही बात सर, हिंदू धर्म को विशेष का टारगेट किया जा रहा है, अगर इसको टारगेट नहीं किया जा रहा, आप पैगंबर मोहम्मद पे बोल के देखिए, अभी लग रहा है सर तन से जुदा, हैदराबाद में नारे लग रहे हैं सर तन से जुदा, कोई क्यों नहीं कुछ कर ले रहा है? पैगंबर मोहम्मद पे बोल के देखिए, फतवे जारी हो जाएंगे, वो लोग जानते हैं कि कुछ नहीं होगा। अभी यहाँ पे देखिए, हमारे कुलपति साहब आए तो वो इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, तो सिर्फ इफ्तार पार्टी क्यों, नवरात्रि का भोज भी दीजिए। समान दृष्टि से फिर देखिए, किसी एक विशेष पक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी एक विशेष पक्ष को मतलब अलग कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें विशेषकर हिंदू धर्म के साथ ही टारगेट किया जा रहा है, हिंदू धर्म के साथ ही किया जा रहा है, क्योंकि हिंदू जो है सहिष्णु हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, और इसका हमें विरोध करना होगा हम लोगों को सबको। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें बोलने से यहाँ पे होगा, और हमें भी अब विरोध करना पड़ेगा, गवर्नमेंट हमें मजबूर कर रही है, हिंदू धर्म के लोगों को, हिंदुओं को मजबूर कर रही है कि आप लोग भी बोलिए, आप लोग भी सर तन से जुदा के नारे लगाइए, उसके लिए गवर्नमेंट मजबूर कर रही है। इसके लिए गवर्नमेंट को कोई नियमावली बनाना चाहिए कि आप अगर एक अच्छे पद पर बैठे हुए हैं तो किसी विशेष धर्म को टारगेट मत कीजिए। जो क्रिश्चियन मिशनरीज होती हैं वो हिंदुओं को बांटने के लिए टारगेट करती हैं कि भाई राम जी तो क्षत्रिय में थे,
वो तुम्हारे पूर्वज नहीं है। तो इस तरह से हिंदू देवी देवताओं को जाति में बांटने का जो षड्यंत्र हो रहा है, क्यों आवश्यकता पड़ रही है? सर देखिए, सबसे पहले तो हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले लोग ब्राह्मण को टारगेट करते हैं, क्योंकि जब आप ब्राह्मण को टारगेट करते हैं तो व्यक्ति अपने धर्म से थोड़ा दूरी बना लेता है, क्योंकि लोग केवल यही कहते हैं कि ब्राह्मण ऐसा है, ब्राह्मण वैसा है, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मणों के ऊपर कटाक्ष करते हैं, ताकि लोग अपने धर्म के प्रति जो जानने की इच्छा है उससे लोग दूर हो जाते हैं, और उन लोगों को भी लगता है कि नहीं, एक पर्टिकुलर ऐसी जाति है जो हम लोगों को बांटने का काम किया। परंतु ऐसा शास्त्रों को आप उठा के देखिए, ब्राह्मण ने कभी भी बांटने का काम नहीं किया। और रही बात दूसरी, जो कुलपति महोदया जी जो ऐसा वक्तव्य दिया है उन्होंने कि जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में, शायद वो ये नहीं जानते हैं कि हमारे ही केवल धर्मशास्त्र में, केवल हिंदू और केवल सनातन परंपरा में ही महिलाओं को केवल देवी का दर्जा दिया जाता है, और कोई भी धर्म ऐसा नहीं जो महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता हो और उनको मतलब लक्ष्मी के समान उनकी पूजा की जाती हो। और एक बिंदु केवल यही उठा लेना कि मनुस्मृति में एक लाइन पढ़ लेना कि महिलाओं को शूद्र की संज्ञा दी जाती है, केवल आप इतने से नहीं डिफाइन कर सकते हैं पूरे शास्त्र को कि हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है। अगर हमारे वेदों में भी ऐसे वक्तव्य आए हैं कि महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, श्रेष्ठ चतुर्थ लक्ष्मी की मतलब लक्ष्मी की एक उनकी सहायक मानी जाती हैं औरतें स्त्रियां, परंतु उन्होंने ऐसा वक्तव्य, शायद वो ये भी भूल रही हैं कि आज हमारा हिंदू धर्म ही है जो उनको, वो जहाँ पे भी जाएंगी उनको देवी के ही समान पूजा जाएगी, क्योंकि वो एक शिक्षिका हैं और ऊपर से वो एक महिला हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनकी ये एक संकुचित मानसिकता का द्योतक है। वो जो चाहे किसी भी पद पे हों, लेकिन उनका ये वक्तव्य हमारे हिंदू धर्म के प्रति बहुत ही मतलब अप्रशंसनीय है, और जहाँ तक कि हम बात करें तो उन्हें ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो इतनी बड़े पद पे बैठ करके उनके ही कॉलेज में, उनकी यूनिवर्सिटी में ऐसे भी सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते होंगे, उन लोगों के ऊपर ये क्या मतलब छवि देना चाहती हैं, क्या प्रस्तुत करना चाहती हैं किसी एक धर्म के देवी देवताओं के ऊपर कटाक्ष करके, ये बहुत ही निंदनीय है, और उन्हें किसी भी तरीके से उनको कहीं ना कहीं माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। एक तरफ इस्लाम है जहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको ज़बरदस्ती ये बोला जा रहा है कि हिजाब पहनो, बुरका पहनो, तो उस पर कोई नहीं बोलता है। दूसरी तरफ हिंदू महिलाएं हैं, पूर्ण स्वतंत्रता है उनको, लेकिन इस तरह की टिप्पणी हो जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, स्वतंत्रता हो जा रही है इसीलिए बोल पा रहे हैं, अन्य धर्मों में क्या है, बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता है। जो अपने धर्म के खिलाफ बोलेगा उसका सरकलम कर दिया जाता है। हमारे धर्म में क्या है कि सभी को बोलने की आज़ादी है, लेकिन आज़ादी का लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं। क्या मतलब निकाल रहे हैं कि जो मन कर रहा है वो बोल रहे हैं, यहाँ तक कि अपने ही लोग मतलब हमारे ही धर्म के लोग हैं जो सनातनी भी हैं हो सकते हैं, लेकिन हमारे ही धर्म की बुराई कर रहे हैं। कारण क्या है कि हमारा ही धर्म एक श्रेष्ठ धर्म है। जब आतताई लोग बाहर से आए थे तो उनका ये था कि भाई ये देश ऐसा कैसे एकजुट देश है कि जिसको हम लोग खंडित नहीं कर पा रहे हैं। तो उसने बहुत अनुभव किया, देखा, क्या देखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो धर्मपरायण है, तो यहाँ का धर्म इतना मजबूत है जो लोगों को इकट्ठा किए हुआ है। तो पहले क्या करिए, इस धर्म को तोड़िए। और धर्म का रक्षक कौन था उसमें? ब्राह्मण। तो धर्म को तोड़ेंगे तो किसको तोड़ना पड़ेगा? ब्राह्मणों को तोड़ना पड़ेगा। और ब्राह्मण को जब तोड़ देंगे तो अपने आप सब बिखरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब पेड़ ही कट जाएगा तो डाली, जो फूल पत्ते सब अपने आप गिर जाते हैं। तो ये जो देवी देवताओं के ऊपर कटाक्ष हो रहा है, ये संकुचित मानसिकता का द्योतक है, और जो भी कर रहा है उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। क्योंकि शमशान में रहते थे, शमशान में, तो देखिए यही गलत बात है। अब शमशान में इसका मतलब एसटीएससी रहते हैं। अब एसटीएससी को विरोध करना चाहिए ना कि शमशान में कौन सा व्यक्ति रहता, बताइए? शमशान में नॉर्मल व्यक्ति जा नहीं सकता है। हम लोग किसी को जलते हुए देख नहीं पाते हैं, अपना व्यक्ति हो चाहे जो भी व्यक्ति हो, क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य वही है, लेकिन उसको देखते हुए भी हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है कोई अभी उठ के आ जाएगा, और कह रहे हैं कि एसटीएससी शमशान में रहते हैं, ये तो अनुचित बात है। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में अभी जैसे कि हमारे मित्र ने कहा कि देवी का उपाधि मिली है, मनुस्मृति में ही लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। और हमारे धर्म के लोग जो सनातन धर्मावलंबी हैं वो इस बात को अक्षरशः पालन करते हैं और सभी महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसलिए सभी महिलाओं को भी अपना सम्मान बचाने के लिए अनुचित वक्तव्य नहीं देना चाहिए। आप भी सर शोध छात्र हैं यहाँ के, क्या कहेंगे? देवताओं की जाति पे बात आ गई है, जाति को लेकर टारगेट हो रहे हैं। जी, सबसे पहली बात है कि जो वरिष्ठ लोग होते हैं, जो प्राध्यापक होते हैं, जो आचार्य होते हैं, जो वाइस चांसलर हैं, वो इतने बड़े पद पे चले गए हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं
वो राष्ट्र के धरोहर होते हैं। और जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं, जो प्राध्यापक होते हैं, वो राष्ट्र के निर्माता होते हैं। जो उस पद पे पदस्थ हैं वो व्यक्ति एक ऊंचे लेवल पर, जैसे होता है हम लोगों में संस्कृत में कोश पढ़ाए जाते हैं, तो आनंदमय कोश सबसे अंतिम कोश होता है, उसको सूक्ष्म कोश माना जाता है। तो उतने लेवल पर पहुंच करके जब वो बातें आप छिड़केंगे तो समाज की एक एक कण में ये क्या पहुंच रहा है कि जातिगत व्यवस्था ऐसी हो गई है कि भगवान शंकर SC ST थे, क्या कैसे, क्या प्रूफ है, कहाँ लिखा है, कैसे आप अनुमान करते हैं कि वो शमशान में रहते हैं। देखिए, समत्वम योग मुच्यते लिखा है ना, समत्व क्या बोला जाता है, उसको योग बोला जाता है। तो व्यक्ति समाधि लगाने के लिए भी योग करने चले जाएगा वहाँ, समाधि की परिभाषा योग में दी गई है पूरी। तो अब ये बताइए कि वो कहेंगे कि ये SC ST है, ये एक अनर्गल प्रलाप है, इस तरह से नहीं करनी चाहिए। कभी भी हमारे शास्त्र में लिखा गया समगच्छत्वम समगच्छत्वम समनो मनांसि जानताम, इस तरह की व्यवस्था है पूरे, ये कहा जाता है कि जैसे आपको बोला गया समगच्छत्वम माने समान दृष्टि से चले, संबदध्वम माने साथ साथ बोले, समनो मनांसि जानताम। तो ये प्रथा हम लोग के यहाँ तो समान की प्रथा है, हम लोग कोई जातिगत भेद नहीं करते हैं। संस्कृत से अवलंबी जितने भी लोग हैं या हिंदू धर्म से अवलंबी जितने भी लोग हैं, सब समान दृष्टि देखते हैं और सबको एक साथ, जैसे आप कक्षा में देखते हैं प्रत्येक बच्चों को यूनिकोड लगाया जाता है। किसी विद्यार्थी से पूछिए कि यूनिकोड का अर्थ है तो वो नहीं बताएगा, लेकिन एक प्राध्यापक को ये जानना चाहिए कि यूनिकोड इसलिए लगाया जाता है कि सबको, कोई गरीब का बच्चा है, अमीर का बच्चा है, कैसा भी बच्चा हो समान दृष्टि से रहे, समान समझ में। ये नहीं कि वो बड़ा 10,000 का कपड़ा पहन करके आता है, मैं 100 रुपये का कपड़े पहन के लाता हूँ तो उसको धीन दृष्टि से देखेगा। अब इतने लेवल पर पहुँच करके यदि शंकराचार्य को SC ST वो कहती हैं तो महोदया से मुझे निवेदन करता हूँ कि कृपया उसे माफ़ी मांग लें सबसे कि इस तरह का वार्तालाप न करें, कभी भी ऐसा न करें, क्योंकि समाज में इतना बड़ा, इतना कष्ट पहुँचा है ना कि अब आगे हिंदू धर्म क्या करेगा उन्हें, और भगवान जाने, आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए। तो इनका कहना है कि जो देवी देवता होते हैं वो जाति से ऊपर उठ जाते हैं, धर्म से ऊपर उठ जाते हैं, तभी तो वो देवता या भगवान हैं। तो उनको जाति को लेकर बात करना पूरी तरह से अनर्गल है, इससे बचना चाहिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।